हेलो स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल लर्न एंड टीच में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे विल्सन हार्टनर गवर्नर के बारे में कि ये क्या होता है, इसके यूजेस हम कहाँ करते हैं, आखिर इसका कंस्ट्रक्शन इसके कैसे बना होता है, इसके पार्ट का नाम, कंपोनेंट का नाम, फाइनली जानेंगे इसका वर्किंग, आखिर में ये काम कैसे करता है। स्टूडेंट अगर चैनल में नए आए हुए तो चैनल को कल ही सब्सक्राइब, क्योंकि नए नए टॉपिक को हर दिन डिस्कस करते रहता हूँ डिप्लोमा लेवल की। तो चलिए स्टूडेंट सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि विल्सन हार्टनर गवर्नर क्या होता है। तो विल्सन हार्टनर गवर्नर को मैंने एक्सप्लेनेशन दिया, आप देख सकते हैं, लिख के बताइए यहाँ लिखी हुई क्या है कि विल्सन हार्टनर गवर्नर इज ए रेडियल स्प्रिंग गवर्नर। मैंने का मतलब है जो विल्सन हार्टनर गवर्नर होता है, एक तरह का इसे हम लोग रेडियल स्प्रिंग गवर्नर भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम लोग यूज करते हैं एक स्प्रिंग का, उसी के सहयोग से ये गाड़ी का स्पीड का इंजन को यहां पे मेंटेन करता है, फ्लूइड को सप्लाई करता है। नीचे पॉइंट में लिखी हुई क्या है कि इट इज मेंटेन द स्पीड ऑफ एन इंजन विद इन स्पेसिफाइड बेयरिंग ऑफ डिफरेंट लोड बाय रेगुलेटिंग द अमाउंट ऑफ फ्यूल सप्लाई टू द इंजन। कहने का मतलब है जो विल्सन हार्टनर गवर्नर होता है, इसका यूज हम लोग व्हीकल में किया जाता है, व्हीकल के इंजन के जस्ट बगल में इसका यूज आता है, और वो व्हीकल का इंजन जो लगे होते हैं उसके साथ के साथ ये कनेक्ट रहता है, और ये क्या काम करता है व्हीकल के इंजन में, वहां पर ये मेंटेन करता है हमारा स्पीड ऑफ एन इंजन, जो इसकी इंजन होती है उसकी स्पीड को वहां पे मेंटेन करता है, और जब इसको ज्यादा लोड जाती है तो हमारा फ्यूल वहां पर ज्यादा खपत होती है, और जब हमारा कम लोड देते हैं व्हीकल के ऊपर तो हमारा फ्यूल वहां पर कम सप्लाई होती है। इसी के वर्क के कारण होता है विल्सन हार्टनर गवर्नर के सहयोग से, मींस हमारा गाड़ी को मेंटेन स्पीड में रखता है, मीन स्पीड में ही हमारी गाड़ी को रन कराता है। तो इसी का नहीं, इसका यूज हम लोग व्हीकल में करते हैं, इंजन के साथ ये कनेक्ट रहता है। चलिए इसका कंस्ट्रक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं, आखिर में कैसे बना होता है, उसके कौन कौन से पार्ट और कंपोनेंट के नाम होते हैं। देखिए सबसे पहले क्या होती है, जैसे कि हमारा ये व्हीकल का इंजन है, इंजन के साथ ये हमारा यहाँ शाफ्ट कनेक्ट रहती है, और शाफ्ट के साथ कनेक्ट रहती है हमारा यहाँ पर व्हील गियर। ठीक है, व्हील यहाँ पर दो लगे होते हैं, उसके बाद क्या होती है यहाँ पर जो बीच में लगी होती है जो हमारा विल्सन हार्टनर गवर्नर पूरी तरह से यहाँ पर एडजस्टमेंट की जाती है, तो इस चीज़ को यहाँ पर क्या बोलता है स्पिंडल बोलता है, इसका काम होता है यहाँ पर रोटेशन करना। जब ये रोटेशन करती है तो पूरे यहाँ पे मैकेनिज्म के यहाँ पर रोटेशन कराती है। ठीक है, और इसके साथ कनेक्ट रहती है हमारा का ये जो स्पिंडल के साथ कनेक्ट रहती है, ये चीज को यहाँ पे बोला गया स्लिप, इस चीज को यहाँ पे जो ब्राउन रंग की नजर आ रही है आपके सामने, इस चीज को स्लिप कहा गया है, और स्लिप के साथ यहाँ पर कनेक्ट रहती है हमारा ये क्रैंक लीवर, देख सकते हैं इस चीज को जो येलो रंग की नजर आ रही है, बेल क्रैंक लीवर जैसे कहा जाता है, और इसके साथ कनेक्ट होती है दो गो यहाँ पे बॉल। ठीक है, जो इक्वल मास और इक्वल वेट होते हैं दोनों का, और इसके साथ यहाँ पे बीच में कनेक्ट रहती है यहाँ पे मेन स्प्रिंग। ठीक है, यहाँ पे दोनों बॉल को यहाँ पे जोड़ने के लिए अपने ओरिजिनल पोजीशन में लाने के लिए हम यहाँ पे मेन स्प्रिंग का यूज करते हैं। ठीक है, अब क्या होती है यहाँ के सामने ग्रीन रंग की जो नजर आ रही है, इस चीज को यहाँ पे एडजस्टेबल लीवर कहते हैं। ये हमारा क्या करता है, ये हमारे जो दो पॉइंटर होती है हमारे बेल क्रैंक लीवर के यहाँ पे कनेक्ट, ये चीज को पॉइंटर बोला गया, इस चीज को पॉइंटर बोला गया है, मीन दोनों यहाँ पे एंड के पोजीशन में यहाँ पे फिट रहते हैं, और हमारा इसे एडजस्टमेंट करते हैं जब फोर्स इसमें ज्यादा अप्लाई होती है तब। ठीक है, जैसे कि ये हमारा स्लीव है, और स्लीव जो यहाँ पे कनेक्ट रहती है बेल क्रैंक की जो लीवर, यहाँ पे हम कैरी सर्कुलर एक तरह का रोलर का यूज किया जाता है जो हमारा पुश करता है हमारा स्लीव को जो ऊपर की ओर फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में इसे मूवमेंट कराने में मदद करता है। ठीक है, जब इसके ऊपर जब ये रोटेशन करती है हमारा बॉल तब यहाँ पे फोर्स लगाती है, तो उसके बाद ये हमारा स्लीव ऊपर की ओर जाती है। ठीक है, अब क्या होती है ये जो स्लीव है इसके साथ हम कनेक्ट करते हैं एक लीवर का, इस चीज को लीवर बोलते हैं, और इसको यहां फिक्स पार्ट का यहां पे यूज किया जाता है जो लीवर साथ कनेक्ट रहता है, और यहां पे हम यूज करते हैं एक यहां पे फिक्सचर, और कनेक्ट रहती है यहां पे एक ज्वेलरी, यहां पे स्प्रिंग का यूज किया जाता है जो काफी हार्ड होती है, जो हमारा जब फ्यूल यहां पे सब सप्लाई करनी होती है, जब ज्यादा हमारा व्हीकल का जो इंजन ज्यादा रोटेशन करता है तब जाके ये हमारा यहां पे थोड़ी सी सिकुड़ती है, फैलती है, इसके सहयोग से हमारा फ्यूल यहां पे सप्लाई होता है। ये हमारा क्या है फ्लूइड पाइप हम कह सकते हैं, जहां पे हमारा फ्यूल का मींस हमारा फ्लूइड यहां पे मीन्स हमारा फ्यूल यहाँ पे सप्लाई होता है, और यहाँ पे यूज करते हैं हमारा लिंक के थ्रू थ्रोटल भाल का, इस चीज को यहाँ पर थ्रोटल भाल कहा गया है। ठीक है, तो इस तरह से पूरी इसकी कंस्ट्रक्शन होती है विल्सन हार्टनर गवर्नर की। तो चलिए अब इसका वर्किंग के बारे में डिस्कस करते हैं, आखिर में कैसे वर्क करता है, किस तरह से यहाँ पे हमें अमाउंट ऑफ फ्लूइड को यहाँ पे सप्लाई कराता है फ्यूल को, जब इंजन को ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है और या कम रिक्वायरमेंट होती है तब। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या होती है, जैसे कि हमारा इंजन है, इंजन यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे रन होने लगती है, रन होती है जैसे सब कनेक्ट है, साफ भी ये भी रोटेशन करता है, और जब इसके सब साथ रोटेशन करता है तो व्हील गियर भी यहाँ पर रोटेशन करता है, और ये जो नजर आ रही है आपके सामने स्पिंडल, तो स्पिंडल साथ कनेक्ट हमारा मैकेनिज्म पूरी यहाँ पर रोटेशन करता है, कुछ ऐसा वर्किंग करता है। लेकिन इसके ऊपर यहाँ पर डिफरेंट यहाँ पर क्या हो जाती है, इसके ऊपर जब लो लोड देते हैं, जब हाई लोड देते हैं तो ये कैसे वर्क करता है, इस चीज़ को यहाँ पर समझना है। देखिए सबसे पहले क्या होती है, इसके ऊपर जब हम लो लोड देते हैं
इसके ऊपर जब लो लोड देंगे तो क्या होगी, ये जो इंजन है, इंजन यहाँ पे स्पीड है तो इंजन की स्पीड यहाँ पे रोटेशन ज़्यादा स्पीड से करेगी, इसे शाफ्ट भी ज़्यादा रोटेशन करेगा और व्हील गियर भी ज़्यादा यहाँ पे स्पीड से रोटेशन करेगा। ठीक है, तो उसके साथ कनेक्ट हमारे स्पिंडल, तो स्पिंडल भी यहाँ पे हाई स्पीड से रोटेशन करेगा। ठीक है, तो हमारे स्पिंडल देख सकते हैं यहाँ पर नोट के तौर पर मैंने बताया कि लो लोड देने पर हमारा स्पिंडल यहाँ पर हाई स्पीड यहाँ पर रोटेशन करेगा और इसके साथ कनेक्ट रहती है हमारा क्या, ये जो नज़र आ रही बेल क्रैंक लीवर, ये भी रोटेशन करेगी और इसके साथ जो बॉल कनेक्ट रहती है बॉल भी यहां पे रोटेशन करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, तो उस समय क्या होगी, जो स्प्रिंग है हमारा, उसमें स्प्रिंग यहां पे फैलना स्टार्ट हो जाएगी क्योंकि ये जो बॉल है यहां पे हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, ये बॉल में भी यहां पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। ठीक है, अब ये रिवोल्यूशन करेगा और स्प्रिंग यहां पे फैलना स्टार्ट हो जाएगी जिसके कारण ये जो नजर आ रही है आपके सामने जो रोलर है, ये हमारा स्लीव को ऊपर की ओर यहां पे पुश करेगी और पुश करके इसके साथ कनेक्ट हमारा का लीवर है, तो लीवर क्या करेगी यहां पे डायरेक्शन चेंज करेगा और ऑक्सिलरी स्प्रिंग यहां पे फैलना स्टार्ट हो जाएगी और के साथ हमारा जो नजर आ रही लिंक के साथ कनेक्ट थ्रोटल वाल्व यहां पे क्लोज होना स्टार्ट होगी। मींस ज्यादा स्पीड रोटेशन करेगी तो हमारा क्या होगी यहां पे थ्रोटल वाल्व यहां क्लोज होगी, हमारा जो फ्लूड यहां पे धीरे-धीरे सप्लाई होगा। देख सकते हैं किस तरह से यहां पे फ्लूड यहां पे धीरे-धीरे सप्लाई हो रही है, तो मींस में थ्रोटल वाल्व यहां पे कम यहां पे ओपन होगी और हमारा फ्लूड यहां पे लेस सप्लाई होना स्टार्ट होगा जब हम इंजन के ऊपर कम लोड देते हैं तब। ठीक है, अब क्या होती है जब इंजन के ऊपर ज्यादा लोड देते हैं, मींस एक तरह का हाई लोड देते हैं, जब हाई लोड देंगे इंजन के ऊपर तो क्या होगी, देख सकते हैं यहां पे मैंने नोट के तो बताइए उसमें मेरा इंजन यहां पे क्या होगा धीरे धीरे रोटेशन करेगी, उसके साथ साफ भी रोटेशन धीरे धीरे करेगी और व्हील गियर भी यहां पे कम रोटेशन करेगी और उसके साथ जो लगी हुई मेरा स्पिंडल भी यहां पे कम रोटेशन करेगी। ठीक है, मींस लो स्पीड में यहां पे रोटेशन करेगी, उसमें मेरा क्या होगी या पूरी जो मैकेनिज्म है धीरे धीरे रोटेशन करेगी और एक नीचे की ओर आ जाएगी, मेरा जो स्लीव है नीचे की ओर आएगी तो इसके साथ जो कनेक्ट हमारा बेल क्रैंक लीवर ये भी नीचे की ओर आएगी, कनेक्ट हमारा बॉल भी यहां पे रोटेशन करेगी और बॉल के साथ जो मेरा मेन जो स्प्रिंग है यहां पे फैलना बंद कर देगी, थोड़ा कम फैलेगी जिसके कारण क्या होगी स्लीव हमारा उसमें नीचे की ओर आएगी और उसके साथ कनेक्ट हमारा लीवर, तो लीवर क्या होगी उसमें मेरा एक्सिलरी स्प्रिंग है यहाँ पे फैलेगी कम और या सिकुड़ेगी ज्यादा, जिसके कारण क्या होगी हमारा थ्रोटल वाल्व यहाँ पे ज्यादा ओपन होगी और ज्यादा ओपन होने से हमारा जो ये नजर आ रही है फ्लूड पाइप के सहयोग से ज्यादा फ्लूड यहाँ पे मोर यहाँ पे फ्लूड यहाँ पे पासेस होने लगेगी, मीन ज्यादा फ्लूड यहाँ पे मेरा खपत होगी और मेरा उसमें इंजन में मेन इंजन का स्पीड है वहां पे मेंटेन हो जाएगी जिसके कारण मेरा इंजन यहाँ पे मिन स्पीड में यहाँ पे रन करेगी। तो इस तरह से विलियम हार्टनर गवर्नर वर्क करता है। ये जो नजर आ रही है आपके सामने ऑक्सिलरी स्प्रिंग जो हमारा ये पूरी तरह से जब बेल क्रैंक लीवर जब पूरी तरह से जब ज्यादा स्पीड में जो रोटेशन करती है तभी जाके ये फैलती है, तभी जाके ये हमारा वाल्व को क्लोज करती है। ठीक है, अगर कम यहाँ पर रोटेशन करती है तब ज्यादा लोड देने के बाद तो ये कम सिकुड़ेगी और जिसके कारण थ्रोटल वाल्व यहाँ पर ज्यादा ओपन होगी, फ्लूइड यहाँ पर ज्यादा सप्लाई होगी और जिसके कारण मेरा इंजन का स्पीड यहाँ पर मेंटेन रहेगा। तो ठीक, इस तरह से विल्सन हार्टनर गवर्नर हमारा इस तरह से वर्क करता है और इस तरह से हमारा इंजन की स्पीड को यहाँ पे मेंटेन रखता है और फ्लूइड को इस तरह से सप्लाई करता है जब यहाँ पे लोड देते हैं। जो आशा है कि इसके बारे में बढ़िया तरीके से समझ चुके होंगे किस तरह से वर्किंग करता है। तो वीडियो देखने का थैंक यू, चैनल में नए आए तो चैनल को कल ही सब्सक्राइब, हो सके तो वीडियो को कर दीजिए लाइक। धन्यवाद।